हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मॉनसून स्पेशल क्विक एंड इजी वेजिटेबल सूप की रेसिपी। इस सूप को बनाना बहुत ही आसान है गाइस, और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो चलिए सूप को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए हमने गैस पर एक बर्तन रख दिया जिसमें हम सूप बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बटर। आप बटर की जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो गया था, इसमें 5 लहसुन की कली को हमने चॉप करके रखा था उसे ऐड करेंगे। फिर हल्का सी सौते करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन का वाइट हिस्सा। अगर आपके पास हरी प्याज का वाइट हिस्सा ना हो तो आप आधी प्याज को चॉप करके उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी कटी हुई कैबेज, 1 कटा हुआ गाजर, 2 मुट्ठी स्वीट कॉर्न के दाने, उसी स्प्रिंग ऑनियन की पत्ती। अब हम सभी चीज़ों को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। अगर आप हरी मिर्च को ऐड नहीं करना चाहते तो नहीं ऐड करिएगा। आप इसमें अपनी फेवरेट सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम, और भी अपनी फेवरेट सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ऐड करेंगे 5 कप पानी। आप इस सूप में 1 लीटर जितना पानी आराम से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। अब हम इस पर ढक्कन ढक के 15 से 20 मिनट के लिए सब्जियों को कुक होने देंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा है और ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखा है, क्योंकि वेजिटेबल स्टॉक जो उबल कर बाहर ना आए इसलिए ढक्कन हमने थोड़ा सा खुला रखा है। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हो। वेजिटेबल को कुक करते हुए 20 मिनट हो गए हैं और सब्जियाँ भी अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें हम थोड़ा सी पानी ऐड करके इसका एक घोल बना लेंगे। घोल में बिल्कुल लम्स नहीं होनी चाहिए गाइस। देखिए, हमने इस तरह से घोल रेडी कर लिया है। अब हम इस घोल को धीरे धीरे मिक्स करते हुए ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस ऑप्शन है गाइस, आप चाहे तो ऐड करें या फिर स्किप कर दें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे और 5 मिनट कुक कर लेते हैं। अब हमारा बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल सूप बन गया है गाइस। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर की जगह उसे भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने से सूप में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम सूप को सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। आप भी इस गर्मा गर्म सूप को बनाएं और सर्व करें। इसे बनाना बहुत ही ईजी है गाइस, आप इसे ज़रूर बनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।